हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में, चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। पहले हम कीर्तन करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद हरे, जय राधा माधव राधा माधव हरे, जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कल हम चैतन्य भागवतम में सातवें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के सातवें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें अध्याय का नाम है गदाधर पंडित की पुंडरिक विद्यानिधि से भेंट। तो एक अद्भुत भेंट है। इसमें पुंडरिक विद्यानिधि को बताया गया कि वो तो बहुत ऐश्वर्य में रहते थे, उनको देख के कोई पता नहीं लगा सकता था कि भगवान के शुद्ध भक्त। बहुत अच्छे रेशमी बहुत ऊंचे हाई क्लास के कपड़े पहनते थे। और गले में सोने और उस सब चीजें हुई, लेकिन वो अंदर से भगवान के शुद्ध भक्त थे। ये सबको पता नहीं था, तो इस लीला में यही बताया जाएगा। पुंडरीक विद्यानिधि वास्तव में कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज थे। कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज थे, राधा रानी के पिताजी। यहाँ पे बोला गया था, कल हमने लीला में सुना था वो चिटगांव में, जो बांग्लादेश में अभी चिटगांव में, जिसको चट्टग्राम भी बोलते हैं, चिटगांव में रहते थे, वहां उनका घर था।
तो चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं कि अभी पुंडरीक नंदादि आने वाले हैं, तुम सबको देखेंगे, वो उनको देखने पे कोई भी तुम में से उनको रिकॉग्नाइज पहचान नहीं पाएगा, वो आप उसको समझेंगे बहुत बड़ा मटेरियलिस्टिक आदमी है। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि गौरांग महाप्रभु कि मैं उनको देख के मेरे मन को, उनको देखे बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। वो कहाँ है अभी? ये सारी अभी चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं, उनकी विद्यार्थी जीवन की लीलाएं खत्म हुई, अब अपने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब अपने को अपना जो भगवत स्वरूप है उसको सबके सामने धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। तो इस विधि में अद्वैत आचार्य से मिले, नित्यानंद प्रभु से मिले, अभी पुंडरीक विद्यानिधि से भी मिले। महाप्रभु बोलते हैं मेरे को उसके देखे बिना मन की शांति नहीं मिलती, इसलिए आप सब लोग उनको आकर्षित करो जो से इस तरफ में आए। इस प्रकार से बोलने के बाद महाप्रभु जोर जोर से रोमांचित हो गए उनके आने की प्रतीक्षा में, और जोर से बोलेंगे, ओ पुंडरीक, ओ फादर, ओ पुंडरीक, ओ मेरे पिता। तो यहाँ पे उनको पिता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वृष भानु जो है उनके पिता के समान थे, वो उनको अपना पुत्र के समान मानते थे। कृष्ण लीला इस प्रकार से महाप्रभु बहुत जोर से आवाज कर रहे हैं। ये महाप्रभु क्यों कर रहे हैं सारी लीला? क्योंकि केवल महाप्रभु ही भक्त की महिमा को जान जान सकते हैं, और कोई भक्त की महिमा को नहीं जान सकता। केवल अगले श्लोक में जो हमने पढ़ा था कि भक्त तत्व चैतन्य गोसाई मात्र जाने सही भक्त जाने जा रहे कहे ना आपने, केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु ही भक्तों की महिमा जानते हैं। और उनकी उनकी महिमा, भगवान की महिमा कौन जानता है? जिनको फेवर करते हैं, जिनकी कृपा करते हैं भक्त, वही भक्त भगवान की महिमा को जान सकते। इस तरीके से हमने कल श्रवण किया, आज हम अगले श्लोक से करेंगे। ईश्वरेर आकर्षण हैला तारापति नवदीपे आसीते ताहरे हैला मति। इस प्रकार से भगवान ने पुंडरीक को, विद्यानिधि को अपनी तरफ आकर्षित किया, तो पुंडरीक विद्यानिधि नवदीप की तरफ चले, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। क्योंकि इधर से भगवान उनको चाह रहे हैं कि यहाँ पे आए। अनेक सेवक के संगे अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्तता। वो कई सर्वेंट के साथ में, जैसे कोई राजा आता है, कई सर्वेंट के साथ आए, कई ब्राह्मण के साथ आए, कई शिष्यों के साथ आए, कई भक्तों के साथ आए, और कई सारी वस्तुएं लाए, पैराफर्नेलिया। आसिया रहिला नवदीपे गुदा रूपे परम भोगीरा प्राय सर्वलोक के देखे। वो सीक्रेटली आए और नवदीप में चुपचाप रहने लगे। कि सारे लोग उनको क्या समझते थे? ग्रॉस मटेरियलिस्टिक, सबसे बड़ा भोगी व्यक्ति समझते थे उनको बाहर से देखने। तो भगवान के अट्रैक्शन से पुंडरीक विद्यानिधि श्री धाम मायापुर में आए, और अपने एक घर में, उनका घर वहां पे भी था एक, उसमें आके रुके। जो जो ग्रॉस मटेरियलिस्टिक थे, जो सामान्य जन थे, अनक्वालिफाइड था, अयोग्य व्यक्ति थे, वो उसको, उनको ग्रॉस मटेरियलिस्टिक, बहुत बड़ा भोगी व्यक्ति समझे, भौतिकतावादी समझे। क्योंकि जैसे फुलिश लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो आचार्य की, वैष्णव की, गुरु के ईश्वर को नहीं समझ पाते, और उनकी पूजा की विधि को नहीं समझ पाते, और मिस्टेक कर लेते हैं, एक अपने जैसा सामान्य व्यक्ति समझ के मिस्टेक कर लेता है। इस केस में भी लोगों ने सिमिलर मिस्टेक किए, तो हमारे जैसा ही व्यक्ति, वैष्णव है समाज है यहाँ, केहा ना ही जाने सबे मात्र मुकुंद, सबे मात्र मुकुंद जानी ले से एक क्षण। कोई भी वैष्णव उनको जानता नहीं था मुकुंद के अलावा, मुकुंद ने उनको तुरंत पहचान लिया।
श्री मुकुंद भेजा ओझा तारा तत्व जाने। तो इसमें मुकुंद के अलावा और कोई वैष्णव उनको पहचान नहीं पाया। पुण्डिक विद्यानिधि, क्योंकि बाहर से तो बहुत बड़े भौतिकतावादी लगते हैं। श्री मुकुंद भेजा ओझा तारा तत्व जाने, एक संगे मुकुंदेर जन्म चाति ग्रामे। जो मुकुंद डॉक्टर थे, लौंडे डॉक्टर श्री मुकुंद, मुकुंद उनको जानते थे क्योंकि दोनों ही चिट्टगांव में, छठग्राम, छठग्राम भी बोलते हैं चिट्टगांव भी बोलते हैं, उसी में जन्म लिया। ये भी बांग्लादेश में है। इस पॉइंट तक, अभी अभी तक पंडित विद्यानिधि की लीला किसी ने देखी नहीं थी। उनको मुकुंद दत्ता जो डॉक्टर थे चिदगांव के, वही जानते थे, और कोई जानता नहीं था। कितने बड़े वैष्णव है। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, जे आनंद हैला ताहर अंत नाई। जैसे भगवान को गौरांग महाप्रभु, देखिए गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे गौरांग महाप्रभु को पता लगा, महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि विद्यानिधि, पुण्डरीक विद्यानिधि आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए, उनको असीमित प्रसन्नता हुई। कौन वैष्णवेरे प्रभु ना कहे भागिया, पुण्डरीक अचन विषयी प्राय है यह। और भगवान ने, महाप्रभु ने किसी को बताया नहीं। कि बहुत बड़ा वैष्णव, किसी को नहीं बताया। तो जब पुंडलिक आए तो सबको बहुत बड़ा मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जैसा दिख। तो वैष्णव के मन में आया कि इसकी क्या सेवा करनी चाहिए। तो बहुत बड़ा मटेरियलिस्टिक आदमी है, भौतिकतावादी व्यक्ति दिखने में। यत किछु तारा प्रेम भक्ति रे महत्व, मुकुंद जाने न अरे वसुदेव दत्त। केवल मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते थे, मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते थे पुण्डरीक विद्यानिधि के प्रेम की, भगवान के प्रति प्रेम की, और भगवान की, उनकी पुण्डरीक विद्यानिधि की शुद्ध भक्ति को केवल ये दो लोग ही जानते थे। मुकुंद रे बड़ा प्रिया पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तार संगे अनुचर। गदाधर पंडित मुकुंद के बहुत प्रिय थे और मुकुंद के साथी थे। जथा करे जे वार्ता कहे नासी, सब अजी एथा आइला एक अद्भुत वैष्णव। जो भी मुकुंद जो भी न्यूज सुनते थे वो गदाधर को कहते थे, दोनों पक्के फ्रेंड थे। एक दिन मुकुंद ने गदाधर को बोला कि यहाँ पे एक बहुत अद्भुत वैष्णव आए हैं नवदीप में। गदाधर से बोला, गदाधर पंडित सुना सुना सावधाने, वैष्णव है देखी थे ये वांछल है तुम्हें माने। वो गदाधर पंडित, सुनो ध्यान से, आप वैष्णव को देखना चाहते हैं क्या? ये मुकुंद ने बोला, आप एक बहुत अद्भुत वैष्णव को देखना चाहते हैं क्या आज? अद्भुत वैष्णव है आजी, देखे बा तुम्हार सेवक करिया जेना समर है आमा। तो मुकुंद बोलते हैं गदाधर पंडित, आज मैं तुम्हें बहुत बड़े वैष्णव को दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। जिसे आप मुझे अपना सेवक समझेंगे, मैं आपको, मुकुंद को बोलते हैं, मुकुंद गदाधर को बोलते हैं कि आज मैं आपको बहुत बड़ा वैष्णव समझ दिखाऊंगा, तो आप मेरे को अपना सेवक समझेंगे क्या? देखिए यहाँ पे वो कर रहे हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा तो आप बदले में मुझे अपना सेवक बना लेंगे क्या, या समझेंगे क्या? यही मजे मेरे को इनाम रहेगा, मैं आज वैष्णव, आप बदले में मुझे अपना सेवक बना लेना। सुनी गदाधर बड़ हरीशा हिला, सही क्षण कृष्ण बोली देखी था चलीला। इसको सुन करके गदाधर बहुत प्रसन्न हुए, बोले अच्छा वैष्णव दिखाएंगे, चलो मैं वैष्णव। दोनों हरे कृष्णा करते हुए भगवान का नाम पर चंटिंग लेते उस वैष्णव से दर्शन करने गए। कौन वैष्णव? पंडित विद्यानिधि। वसी आछन विद्यानिधि महाशय, सम्मुखे हैला गदाधर विजय।
विद्याधर महाशय अपने घर में बैठे हुए थे जब गदाधर पंडित वहां पे आए। गदाधर पंडित करीला नमस्कार, वासिला आसने करिया पुरस्कार। गदाधर पंडित ने पंडित विद्यानिधि को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और पंडित विद्यानिधि ने बदले में उनको एक सीट दिया, आसन दिया कि आप इस पे बैठिए। जिज्ञासिला विद्यानिधि मुकुंदरे स्थाने कीबा नाम यहाने थाके ना कोने ग्रामे। पंडित विद्यानिधि ने मुकुंद से पूछा कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ रहते हैं। विष्णु भक्ति ये जो मैं देखी कलेवर आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। विष्णु भक्ति तेजोमय देखी कलेवर आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। मैं देख सकता हूं कि पंडित विद्यानिधि गदाधर पंडित के बारे में बोल, मैं देख सकता हूं कि इनके इनका शरीर जो है काफी तेजमय है विष्णु की भक्ति के कारण, और इनका अपीरेंस और इनका नेचर दोनों बहुत आकर्षक लग रहा है। मुकुंद बोले ना श्री गदाधरे नाम शिशु है ते संसारे विरक्त भाग्यवान। माधव मिश्रेर पुत्र कहीं व्यवहारे सकल वैष्णव प्रीति वासे नहीं हारे। मुकुंद बोला इनका नाम श्री गदाधर है, ये बहुत भाग्यशाली है क्योंकि बाल्यकाल से ही ये फैमिली लाइफ से विरक्त है। ये माधव मिश्रा के पुत्र हैं, सारे वैष्णव इनको बहुत प्रेम करते हैं। गदाधर पंडित के इंट्रोडक्शन दे रहे थे मुकुंद। भक्ति पाठ रत संग भक्ति रस सहित सुनिया तुम्हारे नाम आइला देखी थे। ये पूरे टाइम भक्ति में व्यस्त रहते हैं और हमेशा भक्तों के संग रहते हैं। तुम्हारा नाम सुन के आपका नाम सुन के यहाँ पे आपके दर्शन करने आए। मुकुंद बोलते हैं पंडित विद्यानिधि सुनी विद्यानिधि बड़ संतोष है, संतोष हैले परम गौरव है संभाषी में लागिला। पंडित विद्यानिधि बहुत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और उनसे बहुत सम्मान के साथ बात वार्तालाप करने लगे। वासिया छेन पुनरिके महाशय राजा पुत्र है न करी या छेन विजय। तो पुंडरीक महाशय उनके सामने ऐसे बैठे गदाधर पंडित के सामने जैसे बहुत बड़े राजकुमार हो। दिव्य खट्टा हिंगुले पीतल शोभा करे दिव्य चंद्र आप्त तीन ताहर ऊपर है। वो एक बहुत बड़े लाल कलर के सोफे पे बैठे, गद्दे पे बैठे, जिसकी ब्रास की आर्म्स थी, जो चेयर थी सोफा थी उसकी ब्रास की चमकी बहुत मेटेलिक आर्म्स थी, वो जो हाथ रखने का रहता है सोफा पर। और उनके ऊपर बहुत बड़ी कैनोपी थी, ऊपर ऊपर जैसे सिंहासन जैसे सोफा था, उसके उसमें बैठ गए। ताही ने दिव्य सव्य शोभे अति सूक्ष्म वासे पत्तन नेत्र बालिशा शोभे चारी पासे। उनके पास में एक अपुलेंट बेड था जिसमें फाइन सिल्क पतला रेशम का कपड़ा था और दोनों तरफ पिलो थे। बड़ा झारी छोटा झारी गुटी पांच सात दीवे पीता ले रहा बात पाका पाना था। पांच से सात उनके छोटे छोटे पानी के बर्तन थे और एक बहुत बड़ा
ब्रास का पीतल का बर्तन था, उसमें पान भरे हुए थे, खाने वाले पान भरे हुए थे। झारी मतलब होता है वाटर पॉट या सुराही। दिव्य दिव्य आला बाती दुई शोभे दुई पासे पान खा पान खाना धर देखी देखी यहां से। दोनों तरफ पान का थूकने वाले बर्तन थे जिसके अंदर पान का थूक रखा। वो मुस्करा रहे थे जैसे वो पान चबा रहे थे, उनके होंठ लाल दिख रहे थे। दिव्य मयूर पाखा लाई दुई जने वाता सा करीते अच्छे देहे सर्वक्षण। दो परसों उनको पंखा जल रहे थे, पीकॉक फेदर से बने हुए, मोर के पंख से बने पंखे उनको, मोर पंख से हवा कर रहे थे। चंदा नेरा उद्वपुंड तिलक कपाले गंधेर सहित ताती फागु बिंदु माइल। उनका जो फोरहेड था वो सैंडलवुड पेस्ट से जो ललाट था चंदन के लिए अच्छा था, उस पर तिलक लगा हुआ था और डॉट्स थे आसपास कुमकुम और चंदन से मिले। की कही बा सेवा, की कही बा सेवा वे केशा भरे रे संस्कार दिव्य गंधो अमलिका बाही नहीं यार। मैं उनके उनके वंडरफुल अद्भुत बालों की स्टाइल के बारे में क्या बोल सकता हूँ। उसमें फ्रेग्रेंट बहुत सुगंधित आंवले का आंवलिका का तेल वो लगा रहे थे। भक्ति रा प्रभावे देह मदन समान जेना चिने तारे है राजपुत्र ज्ञान। भक्ति के प्रभाव से उनका शरीर कामदेव जैसा लग रहा था, जो अगर उनके बारे में जानता नहीं उस जरूर उनको एक राजकुमार समझेगा। सम्मुखे विचित्र एक दोला दोला साहबान विषय रह प्राय जेना व्यवहार है समसाम। उनके सामने एक बहुत अद्भुत पालकी थी जिसमें सारी सामग्री लगी हुई थी और उनके आसपास जो सामान था उससे लग रहा था ये बहुत बड़े भौतिकतावादी है। देखिया विषय रूप देव गदाधर संदेह विशेष किछु जन मिला अंतर। उनका ये भौतिकतावाद रूप देख के गदाधर पंडित के मन में कुछ शंका हुई। आज आज जन्म विरक्त गदाधर महाशय विद्या ने दे प्रति किछु जन्मिला संशय। विद्याधर महाशय गदाधर महाशय तो जन्म से ही वैरागी थे। जब विद्या नदी के इस ऐश्वर्य रूप को देखा तो उनके मन में कुछ शंका हुई। भालत वैष्णव सब विषय रवेश दिव्य भोग दिव्य वास दिव्य गंध केश। गदाधर पंडित सोचने लगे ये कोई बहुत बड़े वैष्णव है क्या। ये तो बहुत ऐश्वर्य वाला भोजन करते हैं, बहुत ऐश्वर्य वाली ड्रेस पहनते हैं, इनके हेयर स्टाइल तो बहुत ऐश्वर्य वाला है। ये तो पूरा भौतिकतावादी। गदाधर पंडित के मन में शंका हुआ। सुनी आता भाला भक्ति अछिला यहाँ अछिला ए भक्ति से हाँ, गेला दर्शन। गदाधर ने जब उनके बारे में सुना था तो उनका अच्छा विश्वास था, पर अब जब उन्होंने देखा तो उनका विश्वास खत्म हो गया कि पुण्डरीक विद्यानिधि भगवान का शुद्ध भक्त बोलते हैं लेकिन मैं तो इतना विषय भोगी। गदाधर पंडित ये सोचते थे कि
भौतिक विषयों से पूरी तरह अलग रहना और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना ही धार्मिक सिद्धांत है। पर पुण्डरीक विद्यार्थी को देखा, उनके भौतिक आनंद के वस्तुओं को देखा, उन्होंने सोचा कि पुण्डरीक विद्यार्थी जो है भगवान की भक्त भक्ति से रहित है और एक बड़ा भौतिकतावादी है और बहुत सेंस एंजॉयर है। उन्होंने जब मुकुंद से सोचा था पुण्डरीक विद्यानिधि के बड़ी पोजीशन के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि पुण्डरीक विद्यानिधि बहुत बड़े वैरागी होंगे, भौतिक आनंद से रहित होंगे, लेकिन अभी अपोजिट हो रहा है। उनका जो है विश्वास कम हो गया। भुजि गदाधर चित्त श्री मुकुंदानंद विद्या ने दी प्रकाशित करीला आरंभ। अभी गदा जो मुकुंद है, उन्होंने गदाधर पंडित के अंदर ये जब संशय देखा, तो वो विद्यानिधि पुण्डरीक विद्यानिधि की महिमा को बताने लगा। मुकुंद जो है पुण्डरीक विद्यानिधि की महिमा को बताने लगे। जब उन्होंने देखा कि गदाधर के मन में संशय हो रहा है इतने बड़े भौतिकतावादी को देख के, कृष्ण प्रसादे गदाधर अगोचर किचु नहीं अवेद्य कृष्ण से मायाधर। कृष्ण की कृपा से गदाधर को ऐसी कोई चीज नहीं, गदाधर ने जो न देखी हो न सुनी हो, क्योंकि कृष्ण तो माया के स्वामी है। मुकुंद मुकुंद सुषमर बल कृष्ण गायन पढ़ेंगे श्लोक भक्ति महिमा वर्णन। जो मुकुंद थे उन्होंने फिर बड़ी मधुरता से कृष्ण के कीर्तन गाने लगे और कुछ भक्ति की कुछ श्लोक गाने लगे, भक्ति की महिमा गाने लगे। राक्षसी पूतना शिशु खेते निर्दय ईश्वर वधीते गेला काल कुटल। वो भागवतम में जो कृष्ण की महिमा बताई गई, पूतना जो बच्चों को मारती थी क्रूरता से, उसने कृष्ण को भी विष दे के मारने का कोशिश प्रयास किया था। अहारे ओ मातृपद दे लेना ईश्वर ना भजे अबोध जीव है ना दयाल। लेकिन हालांकि भगवान को विष देने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको अपने माता की धात्री की पोजीशन दी। ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस प्रकार के कृपालु भगवान की पूजा नहीं करे। अगर कोई व्यक्ति को पता लगता है कि दूसरे लोग उसका अमंगल चाह रहे हैं, तो सामान्यतः वो भी उसका अमंगल चाहता है। लेकिन कृष्ण जो है, कृष्ण ने उसको भी मुक्ति दे दी, उतना को जो उनको मारना चाह रही थी। बंदा बंदा अशोक कहते हैं, शोक करते हैं उन सब लोगों के ऊपर जो कृष्ण की कृपा को नहीं जानते हैं। उतना क्योंकि कृष्ण को मारने आई थी, उसका भी उन्होंने उद्धार कर दिया। अहो बकी जमस्तन काल कुटम कुटमी जिघम सया पाए याद आपे असाधवी ले भे। तो यहाँ पे श्लोक है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघ्नाम जिघ्नाम सया पयादपि असाधवी ले भे गतिम धात्रि उचितम ततोन्निकम वा दयालुम शरणम।
भागवतम में श्लोक आता है, तो मैं और किसकी शरण लूं, ऐसा कौन और कृपालु है जिसकी भी शरण लो। जिस व्यक्ति ने वो उतना जो अपने स्तन में विष लगा के आई थी, डेडली पॉइजन लगा के आई थी कृष्ण को मारने के लिए, उसको भी अपनी मां की पोजीशन दे दी, तो मैं इससे कृपालु और किस व्यक्ति के पास जाऊं, किसका आश्रय लूं। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुद्री पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुद्रासन जिंगाम से अपि हरे स्तरम दत्वापे सद्गतिम। पूतना जो थी हमेशा मानव शिशुओं का ब्लड पीने के लिए रहती थी, घूमती थी, वो बच्चों का ब्लड पीती थी, उतना जो राक्षस, और उस डिजायर के साथ में कृष्ण को मारने आई थी। पर क्योंकि उसने कृष्ण को अपने स्तन पान ऑफर किया, वो उस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त। सुनी लेना मात्र भक्ति जोगेर वर्णन विद्या ने दी लागी लेना करी ते क्रंदन नयने अपूर्व वहे श्री आनंद धार जेने गंगा देवी रा हैल अवतार अश्रु कंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार एक एक काले हये सब बार अवतार। जैसे ही पंडित विद्यानी ने यह सुना, ये भक्ति की महिमा सुनी, वो जोर जोर से रोने लगे, उनकी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे जैसे गंगा देवी फ्लो हो रही है, उनके आनंद के आंसू, उनका कंपन, उनका परस्पिरेशन, पसीना, उनका चेतना मूर्छित हो जाना, उनके हेयर स्टैंडिंग और लाउड शाउटिंग सब एक साथ, उनके सारे जो अस्त विकार हैं वो उनके शरीर में प्रकट हुए। बोला बोला बोली बोला बोला बली महा लागी लग गर्जिते स्थिर हाइते ना परिला पड़ीला भूमि ते। वो जोर जोर से गर्जना करने लगे और बोलते जाओ उसको गाते जाओ, वो स्टडी नहीं रह सके, स्थिर नहीं रह सके और जमीन पर गिर पड़े। लाठी अच्छा डेरे घाये जाते का संभार भांगीला सकल रक्षा नहीं करो जा। उन्होंने आसपास जो भी पैराफर्नेलिया रखा था, सामग्री रखी थी, उसको तोड़ फोड़ दिया, अपने पैरों से कुछ भी चीज नहीं छोड़ी, सब चीज तोड़ फोड़ दिया। कोथा गेला दिव्य बाता दिव्य गोया पान कोथा गेला झारी जाते करे जल पान। जो बहुत बड़ा पान रखने का बर्तन था उसको कहाँ फेंक दिया, पान को कहाँ फेंक दिया, बर्तन जो वाटर पार्सन को कहाँ फेंक दिया जो जिसे पानी गिरे। कोथाए पड़ी लगिया सया पाड़ घाटे प्रेमावेश दिव्य वस्त्र चिरे दुई भाते। उनके पैर से बिस्तर कहाँ जाके गिरा, उनके उस भावपूर्ण प्रेम से उन्होंने अपने अच्छे वस्त्र रेशमी वस्त्र को फाड़ दिया दोनों हाथों से। कोथा गेला सेवा दिव्य केशेर संस्कार धुलाया लोटाया करे क्रंदन नया पार। उनकी जो अपुलेट हेयर स्टाइल थी वो सब, वो ग्राउंड पे रोल लग गया और जोर जोर से गाने लगे, रोते
रोने लगे। कृष्ण रे ठाकुर मोर, कृष्ण मोर प्राण, मोरे से करीले काष्ठा पाषाण समान। ओ कृष्ण ओ मेरे भगवान, ओ कृष्ण ओ मेरे प्राण धन, मैं आपने मेरे हृदय को पत्थर और लकड़ी जैसा बना दिया, कठोर बना दिया। अनुताप करिया कांदा है अचेवश्वरे, मोई से वंचिता ही लो न है ना अवतार। वो जोर से शोक करने लगे, रोने लगे, आपके इस अवतार में मैंने धोखा खा लिया, मैं तो धोखा खा गया। महा गदा गदी दिए जे पादे अछार, सबे मन भावे की बा चूर्ण हिला। वो जमीन पर गिर पड़े और रोल करने लगे, सबको ऐसा लगने लगा उनकी हड्डियां टूट गई हैं क्या। एना सा हिले कंप भावे भावे रविकार, दास जने धरी लाओ धरी ते ना पारे। वो इतने जोर से कंपन करने लगे प्रेम से कि इवन 10 लोग भी उनको पकड़ नहीं, संभाल नहीं पाए। वस्त्र सैया झारी, वस्त्र सैया झारी बाती, सकल संभार पदा घाटे सब गेला किछु नहीं यार। कपड़े बेड पीने का पानी बर्तन कटोरा और सारे जो सामग्री था वो पैर से मार मार के फेंक दिया दूर। एक भी एक ऐसा आइटम नहीं था जो बचाओ। सेवक सकल जे करीला संवरण, सकल रहिला से व्यवहार धाम। उनके सारे सेवकों ने उनको शांत किया और बाकी जो बचा होता था उसको संभालने लगे। यही मत कतक क्षण प्रेम प्रकाशिया, आनंद मुरछिला है थाकिला पड़िया। इस प्रकार से अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के बाद में वो कुछ समय तक ऐसे ही मूर्छित पड़े रहे। तिल मात्र धातु नहीं, सकल शरीरे डूबी लेना विद्या निधि आनंद सागर। विद्या निधि इतने आनंद में डूब गए ऐसा लगने लगा कि उनमें जीवन के लक्षण ही खत्म हो गए। देखी गदाधर महा हैला विस्मिता, ताखाने से मन ने बड़ हैला चिंतिता। है ना महाशय आमी अवज्ञा करी लो कौन, वह शुभ क्षण देखी ते आई। इसको सब देखने के बाद में, दृश्य देखने के बाद में गदाधर तो आश्चर्य हुआ, गदाधर पंडित, और चिंतित होने लगे, सोचने लगे कि मैंने ऐसे बड़े महान पुरुष का अनादर किया, मैंने ऐसा कौन सा अमंगल समय था जिसपे मैं यहाँ पे आया। गदाधर पंडित को अभी लगने लगा कि मैं वास्तव में मुझ में भक्ति नहीं है। और किस तरह विद्या निधि ने जो सारे आइटम पहने थे उनके प्रति उदासीन थे। वो सोचने लगे कि किस तरह एक सामान्य व्यक्ति जो होता है रूप रंग गंध ये सब टेस्ट करने में लगा रहता है, तो उसको इस बात का आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से विद्या निधि सारी चीजें होते हुए भी उनसे दूर है, केवल कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इस प्रकार से जब गदाधर ने एक महाभागवत को एक सामान्य व्यक्ति समझा तो उनके मन में चिंता होने लगी कि उन्होंने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर दिया। मुकुंद रे परम संतोष करी कोले, सिंची लेना अंगतान प्रेमानंद जले। गदाधर पंडित ने मुकुंद के ब्रास किए, मुकुंद को गले लगाया और उन्हें अपने आंसू में भिगो दिया। मुकुंद अमार तुम्हें कैला बंधु कार्य, देखा ही ले भक्त विद्या निधि भट्टाचार्य।
मुकुंद, तुमने तो मेरे वास्तविक मित्र के समान कार्य किया। आपने मुझे विद्यानिधि भट्टाचार्य जैसा महान भक्त के दर्शन कराए। पुण्य विद्यानिधि वास्तव में भक्ति विद्यानिधि थे, और कई बार भक्त लोग उनको खाली विद्यानिधि भी कहते थे। भक्ति विद्यानिधि की एक्चुअल पोजीशन को पता करके गदाधर पंडित ने ये अंतर समझ लिया कि डिवोटी का दृष्टि कैसा होता है, भक्त का और मूर्ख व्यक्ति का दृष्टि कैसा होता है। जिन लोगों का भगवान के भक्तों में श्रद्धा नहीं होता, वो प्राय भक्तों की और अभक्तों की क्रियाओं को एक जैसा समझते। पुंडरीक और गदाधर पंडित विद्यानिधि गदाधर पंडित ने ये जो लीला है गौर, ये इस लीला को गौर लीला में सबको बताया कि किस प्रकार से एक जो अभक्त होता है वो भक्त और अभक्त के क्रियाकलापों में समय नहीं पाता। ए मत वैष्णवेरा किबा अच्छे त्रिभुवने त्रिलोक पवित्र है भक्ति दर्शन। गदाधर पंडित सोच लगे इन तीनों लोकों में ऐसा कोई और वैष्णव है क्या वास्तव में। जो तीन लोक हैं, इस प्रकार की भक्ति को देख के तीन लोक भी शुद्ध हो जाएंगे। आजी अमी एदानु परम संकेत से हो ये कारण से ये कारण तुम्हें ही अचिला निकेत। हे मुकुंद, आज मैं बहुत बड़े खतरे से बच गया क्योंकि तुम मेरे साथ में थे। आज मैं बहुत बड़े खतरे से बच गया तुम क्योंकि तुम मेरे साथ में थे। क्योंकि मुकुंद ने गदाधर पंडित को एक अवसर दिया था पुंडरीक विद्यानिधि को दर्शन करने का, और पुंडरीक विद्यानिधि के डिवोशनल मूड को देख के गदाधर पंडित जो था उनका जो भ्रम था वो टूट गया। वो विद्यानिधि को एक ग्रॉस मेटलिस्टिक भौतिकतावादी समझ रहे थे, तो इसलिए गदाधर पंडित मुकुंद का बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि अच्छा हो आपने मुझे लीला बता दी, नहीं तो मैं बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर लेता। अगर कोई मेटलिस्ट भौतिकतावादी व्यक्ति वैष्णव की क्रिया और व्यवहार को नहीं समझ पाता तो उसे बहुत बड़ा अपराध, हर क्षण वो अपराध कर रहा है, हर क्षण वो वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है। लेकिन अगर वो पायस इनफ है, अगर उनके पास पुण्य है भक्ति है तो वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। तो व्यक्ति कोई भी युक्त वैराग्य का फल तब तक नहीं प्राप्त कर सकता और प्रॉपर वैरागी तब तक नहीं हो सकता। फल क्यों वैराग्य के द्वारा, झूठे त्याग के कारण वो उचित वैराग्य नहीं हो पाता। ऐसा करने से केवल मात्र और भी अपराध ज्यादा करते जाता है। जो डिवोटी चैतन्य महाप्रभु के शेल्टर में है वो युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य के बीच में अंतर समझते। जो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ रहते हैं उनसे जो सामान्य मूर्ख और लालची व्यक्ति रहते हैं।
ऐसे युक्त वैरागी वास्तव में गुरु बनने योग्य है। जो लोग जिनकी भौतिक दृष्टि और जो चैतन्य महाप्रभु की अधीनता को स्वीकार नहीं करते, वो अपने मूर्खता को स्वयं वर्णित करते रहते। विषयी रह परिचित देखिया ओहान, विषयी वैष्णव मोर चित्ते है ले जान। बुझिया मारा चित्त तुम्हें महाशय, प्रकाशिला पुंडरीका भक्ति रहोदय। गदा पंडित बोलते हैं, उनका ये भौतिक रूप देख के मैंने उनको एक भौतिक वैष्णव समझ लिया। हे मुकुंद, तुमने मेरे मन को जान लिया और तुमने मुझे पुंडरीक विद्यानिधि का डिवोशनल मूड बता दिया। वैष्णव लोग हमेशा मटेरियल एंजॉयमेंट से दूर रहते हैं। वो दुर्भाग्यशाली आत्माएं जो सत्य को नहीं जान पाते, वो वैष्णव गुरु में उनका फेस नहीं बैठता, केवल एक्सटर्नल ड्रेस देखते। एक जो भौतिकतावादी रहता है, वो बिजी रहता है मटेरियल ऑब्जेक्ट जैसे रूप और स्वाद को टेस्ट करने में, पर जो भगवान के भक्त हैं, जो भौतिक एंजॉयमेंट से रहित है, वो उनको भी सामान्य लोग भोगी समझते हैं। वास्तव में कृष्ण केवल कृष्ण ही विषय है या ऑब्जेक्ट है डिवोटी के एंजॉयमेंट के। डिवोटी के लिए एंजॉयमेंट के लिए केवल कृष्ण ही विषय। उनके हृदय में और कोई इच्छा नहीं कृष्ण की सर्विस के अलावा। ये मटेरियलिस्ट को समझते नहीं, वो समझते कि डिवोटी और हम एक ही लेवल पे। किसी भी वैष्णव को व्यक्ति को जो ड्रेस से, अगर मटेरियलिस्टिक ड्रेस और ड्रेस है, उसको मटेरियलिस्टिक समझना ऑफेंस। पुंडरीक विद्यानिधि का एक वैष्णव नहीं समझना, जैसा कि मुकुंद बता रहे हैं, और उनको एक भोगी समझना उनके बाहरी व्यवहार से, ये एक अज्ञान अज्ञान का कारण है। इस चीज को जानते हुए ये जरूरी था मुकुंद को कि वो उतना के इस श्लोक को पुंडरीक महाराज के सामने बताया। पुंडरीक विद्यानिधि के सामने गाए। यत खानी आमी करी अच्छी अपराध, यत खानी आमी करी अच्छी अपराध, तत्त खानी करीब चित्तरे प्रसाद। मैंने एक अपराध किया है, गदाधर पंडित मुकुंद से कहते, मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। कृपया मुझे पुंडरीक विद्यानिधि से उनकी कृपा दिलवाइए, जिससे मेरा अपराध दूर हो जाए। गदाधर बोलते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि को एक भक्त नहीं समझ के मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अब मुकुंद से बोलते, तुम मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा करवाइए, जिससे मेरे हृदय के अंदर
ये गंदगी ये दूर हो जाए और मैं आपकी कृपा पाने योग्य हो जाऊं। ए पथे प्रविष्ट जत सब भक्त गणे उपदेष्टा अवश्य करे ना एक जन। सारे डिवोटी जो भक्ति के रास्ते पर जा रहे हैं उनका एक गुरु होना चाहिए। ए पति ते आमी उपदेश नहीं करी यही ने स्थाने मंत्र उपदेश धरी यहाँ ने अवज्ञा जत करी अच्छे मने शिष्य है ले सब दोष समीर है अपने। गदाधर पंडित कहते हैं अभी तक मेरा कोई गुरु नहीं था, अब मेरी इच्छा है पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेने की। अगर मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा वो मेरा सारा अपराध क्षमा कर देंगे जो मैंने उनको असम्मानित करके किए हैं सारे अपराध। एता भावी गदाधर मुकुंदेर स्थाने दीक्षा करी बारह कथा कही लेना ताने। इस प्रकार से विचार करके गदाधर पंडित ने मुकुंद के सामने पुंडिक विद्यानिधि से दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। सुनिया मुकुंदे बड़ संतोष हैला भाला भाला बाली बाड़ सलांगी तेला गीला। इस प्रपोजल को सुन के मुकुंद बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने इस प्रस्ताव की प्रशंसा की, बोला वेरी गुड वेरी गुड। मुकुंद ने बोला गदाधर पंडित ठीक है तुम पुंडलिक विद्यानिधि से दीक्षा ले लो। प्रहर द्वितीय विद्या निधि महा ये बाह्य पाई वसीले ना है या सुरस्ती। 6 घंटे बाद जो विद्या पुंडरी में विद्या निधि उनको बाहरी चेतना आई और पीसफुली बैठे हो। पुंडरीक विद्या निधि भगवान हरि की सेवा में मूर्छित होते हैं। भगवान हरि की सेवा में 2 प्रहर के लिए भगवान हरि की सेवा में 2 प्रहर मतलब 6 घंटे मूर्छित अवस्था में भगवान की सेवा में लगे हुए। जब वो उन्होंने बाहरी चेतना प्राप्त की तब वो जाके संतुष्ट हुए पीसफुल हुए। गदाधर पंडित तेरा ना निर्जल अंत नहीं धार अंग इतिला सकल। गदाधर पंडित का जो असीमित आंसू थे उसके कारण उनकी पूरी शरीर गीला हो गया। देखिए संतोष विद्या निधि महाशय कोले करी तो इले ना आपन हृदय। ये दृश्य देख के विद्या निधि महाशय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गदाधर को गले लगा लिया। परम संभ्रमे रही लेना गदाधर मुकुंद कहे न तार मंत्रे न उत्तर। जैसे गदाधर खड़े हुए आदर सम्मान के साथ मुकुंद ने गदाधर के मन में क्या है वो पुंडरीक विद्यानिधि को बताया। व्यवहार ठाकुरेला देखिया तुम्हार पूर्वे की छुचित्त दोष जन्मीला। और यहाँ पे मुकुंद पुंडरीक विद्यानिधि को कहते हैं कि गदाधर इसके मन में संशय आया था आपके लिए, जो आपका उसने व्यवहार देखा था जो आपका ऐश्वर्य देखा था उसके कारण इसके मन में संशय आया था। ए बेतार प्रायश्चित चिंतिला अपने मंत्र दीक्षा करीब है ना तुम्हारे स्थान। अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए अब उसने आपसे दीक्षा लेने का निश्चय किया। ये मुकुंद जो है पुंडरीक विद्यानिधि को कह रहे हैं गदाधर पंडित की तरफ से। विष्णु भक्त विरक्त शेष विवरधरित माधव मिश्रेला कुल नंदन उचित। ये भगवान विष्णु के वैरागी
भक्त है और अपने बाल्यकाल से ही इन्होंने बहुत मैच्योर व्यक्ति का परिचय दिया है और ये सब गदाधर पंडित का परिचय करा रहे हैं मुकुंद। और ये क्वालिफाइड सन है, माधव मिश्रा की फैमिली में एक योग्य पुत्र है। शैशव वृद्ध रीता, शैशव वृद्ध रीता का मतलब होता है एक बालक का अटैचमेंट खेलने से रहता है, ओल्ड मैन का विचारों में, ओल्ड मैन का आसक्ति रहता है विचारों में बहना जो उनके अनुभव से आए। हालांकि गनाधर पंडित बहुत जूनियर थे एज में, वे चाइल्डहुड रहते हैं, चाइल्डहुड बचपन में ही बहुत बड़े थॉटफुल व्यक्ति जैसा एक्सपीरियंस व्यक्ति, ओल्ड व्यक्ति था, ऐसा उनका सोच विचार था। शिशु है ते ईश्वरे संगे अनुचर गुरु शिष्य योग पंडरिका गदाधर। और इसके बाद मुकुंद उनका परिचय देते हुए ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े साथी हैं बचपन से ही, इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित जो है परफेक्ट गुरु और परफेक्ट शिष्य, पूर्ण गुरु और पूर्ण शिष्य का ये लक्षण। इसके बाद प्रार्थना करते हैं मुकुंदन से, पुंडरीक विद्यानिधि से बोलते हैं, आपने बुझिया चित्त एक शुभ दिने निज इष मंत्र दीक्षा कर है यहाँ, कृपया एक मंगल दिन चुनिए और इनको दीक्षा दीजिए आपके इष्ट विग्रह की दीक्षा दीजिए। सुनिए हसेना पुंडरीक विद्यानिधि आमारे त महारत्न मिली रवि दी। ये सब सुन के पुंडरीक विद्यानिधि तो बहुत स्माइल किए, हंसने लगे और बोला, मैंने विधाता की कृपा से, विधाता के अरेंजमेंट से मुझे एक बहुत कीमती मणि मिल गया, रत्न मिल गया है। करे मु यहाँ ते संदेह किछ नाई, बहु जन्म भाग्य से मत शिष्य पाए। मैं जरूर इनको दीक्षा दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सौभाग्य से कई जन्मों का मेरा सौभाग्य, कई जन्मों से मैंने जो सौभाग्य एकत्रित किया है उससे मुझे एक ऐसा डिसाइपल मिला। इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि जो है, पुंडरीक विद्यानिधि ने आश्वासन दिया मुकुंद को कि मैं जरूर इनको दीक्षा दूंगा, बहुत बड़े सौभाग्य के साथ मैं ऐसा शिष्य मिलता। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु इस लीला को, पुंडरीक विद्यानिधि की लीला को प्रकट करना चाहते थे गदाधर पंडित के साथ सामने, जिससे सब लोगों को पता लगे कि कई बार एक डिवोटी को भी पहचानना मुश्किल होता है, कठिन होता है। पुंडरीक विद्यानिधि बाहर से भौतिकतावादी लग रहे थे लेकिन अंदर से बहुत बड़े भगवान के शुद्ध भक्त थे, इस तरह लीला के द्वारा ही प्रदर्शित होता। आज इस लीला को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महा श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।